नमस्कार मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। आज भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है और दुनिया के हर देश ने ये कोशिश की होगी, उनमें से सिर्फ गिने चुने देशों के पास ये संसाधन रहा होगा। कोशिश क्या कहें, कल्पना की होगी, गिने चुने देशों के पास ये संसाधन रहा होगा और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष है जिसने आज वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश करने की स्थिति में नहीं है। और वो जिसको हम बार बार कहते हैं कि क्या भारतवर्ष दुनिया का अगुआ देश है, क्या भारतवर्ष में वो क्षमता है जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। और जब हम ये बात कर रहे थे कि दुनिया के सिर्फ 4-5 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन बना ली, इस चाइनीज वायरस की काट निकाल दी, तो अब भारत पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जिसने चाइनीज वायरस की रामबाण दवा निकाल ली है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ये दवा सौंपी, हैंडेड ओवर द फर्स्ट बैच ऑफ 2DG एंटी कोविड ड्रग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन आफ्टर इट वॉज रिलीज्ड टूडे। दिस 2DG ड्रग डेवलप्ड बाई DRDO इंडिया एंड DRL इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिया साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड अ माइलस्टोन इन द एफर्ट्स टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर भारत ये मजाक नहीं है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत वो सच्चाई है जिसके दर्शन दुनिया को भी लगे हाथ हो रहे हैं। और ये चमत्कारिक दवा कितनी खूबसूरत है इसका अनुमान आप इससे लगाइए कि इस दवा के लिए आपको जो कहें कि इतनी खूबसूरत दवा तो शायद ही कोई रही हो। और इस दवा के बारे में जो राजनाथ सिंह जी ने बताया उसको ध्यान से सुनना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रामबाण दवा है, क्योंकि वैक्सीन तो निश्चित तौर पर एक अंतिम विकल्प के तौर पर है, लेकिन राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मुझे बताया गया कि इसके प्रयोग से सामान्य उपचार की अपेक्षा 2.5 दिन जल्दी ठीक हो जा रहे हैं लोग। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी भी लगभग 40% तक कम देखने को मिली है। यानी अगर देश की हम ऑक्सीजन आवश्यकताओं की बात करें तो शायद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसको लेकर हल्ला हंगामा होता रहा कि क्या भारत में इतनी उपलब्धता ऑक्सीजन की हो पाएगी, क्या भारतवर्ष इस मुश्किल में। और जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि अगर तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, किसी ऐसी आशंका की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त ये दवा बेहद महत्वपूर्ण, बेहद कारगर साबित होगी, क्योंकि 40% ऑक्सीजन डिपेंडेंसी घटने का सीधा सा मतलब हुआ कि भारत इस वक्त जितने संसाधन उसके पास हैं, उन्हीं संसाधनों में वो जो तथाकथित तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसको भी भारत आसानी से पार कर लेगा। क्योंकि तब तक एक और बड़ी चीज हो जाएगी, भारत की बहुत बड़ी आबादी, और जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि भारतवर्ष ने क्या किया, तो भारतवर्ष ने एक पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन बना ली, भारतवर्ष ने जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है सेरम इंस्टीट्यूट, उसने एस्ट्राजेनेका के साथ बना ली, तो कोवैक्सीन भी हमारे पास है, कोविशील्ड भी है। अब स्पुतनिक आ रहा है तो वो कह रहा है हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर बनाएंगे, DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर ये बना लिया। और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है, इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि ये सैशे में उपलब्ध है, यानी पैकेट में होगा, ORS की तरह घोलिए पिलाइए, मरीज स्वस्थ हो जाएगा। जाहिर है अगर हम इसको अभी की स्थितियों में कहें
कि ये चाइनीज वायरस पर भारतीय रामबाण दवा है। अब वो होगा जिसको दुनिया सोच रही थी, वो भारत ने कर दिखाया, और इस तरह से कर दिखाया है कि अब दुनिया के दूसरे देशों में ये कहा जाएगा कि हमें भी जरा ये जो दवा है इसको उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि इस दवा से, ये जो 2DG दवा है, इस दवा से बहुत से संसाधनों को आसानी से बचाया जा सकता है। और जिस तरह से इस दवा को लेकर कहा जा रहा था, क्या सचमुच भारत ने बनाया है या नहीं बनाया है, क्या हमारी जो क्षमता है उस क्षमता का हम सदुपयोग कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। और ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर भारत के इतिहास में याद की जाएगी, और सिर्फ भारत के इतिहास में क्यों याद की जाएगी, ये दुनिया के इतिहास में याद की जाएगी। दुनिया में कहा जाएगा कि ये वो तारीख थी जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भारत का सैन्य विभाग है, जो शोध विभाग है, उसने कमाल का काम किया और एंटी कोविड ड्रग 2G बना दिया। ये जो राजनाथ सिंह डॉक्टर हर्षवर्धन को सौंप रहे हैं, और मैं बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन का काम बहुत शानदार है, वो विनम्र व्यक्ति है, पहले भी उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी भी उस तरह से नहीं करते हैं, और उनकी चिट्ठी को लेकर बहुत सी चीजें हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूं जितने सफलतापूर्वक और स्वयं एक डॉक्टर होने के नाते इस लड़ाई में बहुत आसानी की उन्होंने। अब चूंकि इतनी बड़ी महामारी थी, इतनी मुश्किल थी, तो उसमें निश्चित तौर पर किसी के लिए भी आप अच्छा कहने की स्थिति में नहीं, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं कुछ अच्छा हुआ, चार बुरी चीजें होती हैं। आपके अगल बगल ढेर सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको लेकर आप नहीं कह सकते कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और सचमुच ये बहुत कुछ अच्छा कहने का वक्त नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि आज कितने मरीज जो मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान होंगे, जिनको लग रहा हो कि अरे हमारे जीवन की कोई आस नहीं रही, उन अस्पतालों का हाल आप सोचिए जो कह रहे थे कि ऑक्सीजन की वजह से हमारे यहां बीमार लोगों का जीवन खतरे में है, जो कह रहे थे कि हमारे सामान्य मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये जो चाइनीज वायरस के शिकार हैं, कोविड के शिकार मरीज हैं, इनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। ये जो इंजेक्शन की मारा मारी थी, रेमडेसिविर, पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन टेढ़े मेढ़े नामों वाले, अब ये जो 2DG दवा है, ये आप घोल के पिलाएंगे, और निश्चित तौर पर अभी इसकी 10,000 डोसेज ही बने हैं, लेकिन एक बार इस दवा की सफलता तय हो गई है, प्रामाणिकता हो गई है, तो आप यकीन मानिए कि इसके बाद फिर उसको उत्पादन बढ़ाने में बहुत समय नहीं लगने वाला है। हम अगर 50 लाख से 5 करोड़ वैक्सीन उत्पादन की तरफ बढ़ सकते हैं, और उसको 10 करोड़ से 17-17.5 करोड़ तक जुलाई तक ले जाएंगे, तो हमारी क्षमता और हमारी किसी भी चीज को तेजी से करने की क्षमता पर अब दुनिया में किसी को संदेह नहीं। आप भारत में ये वितंडावाद छोड़ दीजिए, वो वितंडावाद तो भारत में लगातार चलता रहता है, और कई बार मुझे लगता है कि ये दुनिया का अद्भुत देश है। इतनी आपदा हो, चाइनीज वायरस जैसी महामारी, पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात हो, इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहे हो, चीन से हमारी सेनाएं आमने सामने लड़ रही, तब भी हमारे देश में विपक्ष राजनीति कर रहा होता है, और हम उसे राजनीति नहीं कहेंगे। राजनीति तो राज करने की नीति है ना, ये तो देश को अस्थिर करने की नीति कई बार दिखती, और अगर देश को ये अस्थिर करने की नीति है तब कैसे हो पाएगा, सोचिए। उस सब के बीच में ये सब हो रहा है, उस सब के बीच में ये इतनी शानदार तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, ये सब उस सब के बीच में हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज को ध्यान से देखिए, समझिए कि भारत क्या क्या कर रहा है, और ये सब भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय हैं, भारत सरकार के जो दूसरे विभाग हैं, ICMR हो, DRDO, ये सब सरकार से जुड़े हुए चीज, और वो सब ये कर रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है, जब हमारी वैक्सीन पर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया, आज फाइजर को अनुमति मिली है, कोवैक्सीन को भी इजाजत मिल गई है,
हमारी कोवैक्सीन या ब्रिटेन के साथ मिलकर जो सीरम जो उत्पादन कर रहा है, इन दोनों वैक्सीन का दुनिया में कहीं कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुकाबले में बहुत ऊपर निकल जाएगी। लेकिन हां, इतना अवश्य है कि ये जो वैक्सीन है, ये जो दवा है, ये जो हमारी लड़ने की क्षमता है, ये दुनिया को बता रही है कि भारतवर्ष सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, भारतवर्ष अगुआ के तौर पर दुनिया में आया है, नेतृत्व क्षमता दिखा रहा है। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर ये खबर सुनिए, दूसरों को भी बताइए और सोचिए कि उन लोगों के मनोविज्ञान पर कितना असर पड़ेगा जो आज अस्पताल में थे, वो सब जल्द से जल्द स्वस्थ हों। अच्छा है कि वैसे भी आंकड़े कम हो रहे हैं, थोड़ा जिसको कहें कि जीवन बचाने में कम सफलता मिल रही थी, अब वो और ज्यादा मिलेगी। और जो सबसे अच्छी बात है कि इससे देश में जो सकारात्मक माहौल बनेगा, उससे बहुत से लोग अस्पताल जाने से बच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल से मैं प्रयास करूंगा कि लंबे समय से जो आप लोगों का बेहद पसंदीदा और मुझे भी बड़ी इच्छा होती है, लेकिन चूंकि उसमें समय बहुत लगता था तो वो शो मैंने बंद कर दिया था, कल से दृष्टिकोण भी मैं शुरू करूंगा, यानी दिन भर की खबरें आपको एक साथ मिल जाया करेंगी। जाहिर है उसकी उस तरह की व्यूअरशिप बहुत बड़ी वाली नहीं होती है, लेकिन आप लोग साथ रहेंगे तो हम उसकी भी व्यूअरशिप किसी भी एनालिसिस पीस से ज्यादा कर देंगे। और हम तो बार बार कहते हैं कि यहां किसी का एजेंडा नहीं चलता, सार्थक सकारात्मक विमर्श उसके लिए बहुत जरूरी है कि खबरों के इस शोर में आपको खबर सुनाई दे, और उसके लिए दृष्टिकोण जरूरी है। और आप लोगों का लगातार संदेश आ रहा था, आप लोग कह रहे थे कब से शुरू करेंगे, मेरे ऊपर भी बहुत दबाव था, अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। कल से फिर से आपको सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि, सकारात्मक रहिए, सार्थक बातें सोचिए, यकीन मानिए ये सार्थक अभियान चलता रहेगा तो सकारात्मकता बढ़ेगी और हम हर मुश्किल पर विजय पा लेंगे, इस पर मुझे रंच मात्र संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि।